promise, I swear, Yeah, bitch. Yo. Percocet. Miley Percocet. गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एकदम इजी वे में चार्ज बूस्टर गन का यूज़ कैसे कर सकते हो। गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, चार्ज बूस्टर गन एक ऐसी गन है जिसका एक बॉडी शॉट कोई भी बंदे को इजीली किल कर देता है। एंड जो ये गन है अभी टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, एंड जो CS प्लेयर्स है वो भी इस गन को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे चार्ज बूस्टर गन को यूज़ कर सकते हो एंड उससे हेडशॉट इजीली मार सकते हो। आज के इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसको यूज़ करके आप लोग चार्ज बूस्टर गन को एकदम इजी वे में यूज़ कर सकते हो। आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करना। एंड उसके पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के इस वीडियो को बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग क्या गलती करते हो। आप बिना चार्ज करे मारते हो बंदे को तो इस पर 100 का डैमेज आता है, एंड अगर आप पूरा फुल चार्ज करके बंदे को मारते हो तो इस पर 300 का डैमेज आता है। एंड अगर मैं थोड़ा सा ही चार्ज करके इस पर मारता हूँ तो 280 का डैमेज आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके सामने इतना टाइम नहीं होता है बंदे को मारने के लिए शॉर्ट रेंज में, इसलिए आपको थोड़ा सा ही चार्ज करना है एंड एकदम बंदे को इजीली किल करना है। मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा चार्ज करना है, पूरा चार्ज करूँगे तो आप लोगों को बंदा मार के चले जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा चार्ज करना है एंड बंदे को किल कर देना है, उसका भी सिर्फ 20 डैमेज कम होता है। तो गाइस ये तो हो गई अपनी टिप नंबर 1, अपन टिप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी टिप नंबर 2 है हमारी, आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग कभी भी बंदे पे रश करते हो तो आप लोगों को एकदम कवर रहना है, कवर में ही रहना है, फिर ही आपको बंदे को मारना है। जैसे कि आपको क्या करना है, वॉल के थोड़े से पीछे आ जाना है जिससे कि बंदा आपको नहीं देख पाएगा एंड बंदे को आप इजीली देख पाओगे, जिससे कि आप बंदे को इजीली हेडशॉट या फिर बॉडी शॉट से क्लियर कर सकते हो। बस आप लोगों को वॉल से थोड़े से पीछे से आ जाना है और अपने चार्ज बूस्टर गन को चार्ज करना है। जैसे बंदा आता है आपको उसको क्लियर कर देना है। एंड आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग क्या करते हो, चलते चलते अपनी गन को चार्ज करने लगते हो, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जब भी आप अपनी मूवमेंट दिखाते हो तब आप लोग जंप करते होंगे, तो आप लोगों को तभी जब आप जंप करते हो तब आप लोगों को अपनी चार्ज बूस्टर तुरंत चार्ज कर लेना है एंड फिर बंदे को मारना है। जैसे आप जंप करोगे तो उतनी देर में आप अपनी चार्ज बूस्टर को चार्ज कर लेना। आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको फुल चार्ज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा ही चार्ज करना है एंड फिर बंदे को इजीली किल करना है। तो हमारी थर्ड नंबर टिप है, वो सबसे मेन टिप है कि भाई चार्ज बूस्टर से हेडशॉट कैसे मारना है। वैसे तो इस गन में हेडशॉट का काम नहीं होता है एंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है हेडशॉट का मारने का, मगर आप लोग एकदम इजीली वे में मार सकते हो। आप लोगों पर कभी भी बंदा रश करता है तो आप लोगों को चार्ज बूस्टर को चार्ज करके रखना है एंड थोड़ी कोशिश करना है कि उसके हेड तक एम ले जाओ आप। एकदम आपका एक्यूरेट एम तो उस पर जाएगा नहीं, आप कोशिश भी करोगे तो उसके हेड पे आपका एम नहीं लग पाएगा, तो आपको हेड के आसपास ही एम रखना है जिससे कि आपका एम वहाँ पे लॉक हो जाए एंड बंदा को आप इजीली हेड मार दो। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के इस वीडियो पसंद आई होंगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस फिर किसी वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए लव यू गाइस एंड बाय बाय।